नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोवी लैब ओ जेट ऑइंटमेंट के बारे में। इस ऑइंटमेंट के फ़ायदे, इसके नुकसान और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब तक इस्तेमाल करना चाहिए, इन सभी बातों को भी इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलेगा। दोस्तों, पोवी लैब ओ जेट ऑइंटमेंट आती है एस्ट्रोलैब फार्मा कंपनी की, और इसमें जो सॉल्ट है वो है पोविडोन आयोडाइन एंड ऑर्निडाजोल ऑइंटमेंट बेस, और इसका जो एमआरपी है वो है 105 रुपये। लेकिन दोस्तों, ये एक जेनरिक दवाई है तो थोड़ा आपको ये कम रेट में भी मिल सकती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, किस काम में आती है। दोस्तों, इस ऑइंटमेंट का उपयोग एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट के रूप में किया जाता है, जैसे कि इसका मेन काम होता है बैक्टीरिया के संक्रमण को रोक के घाव वगैरह को ठीक करना। तो इसका इस्तेमाल जख्म, घाव वगैरह को सुखाने के लिए किया जाता है, जैसे कि आग से जल जाने पर जो जख्म हो जाते हैं उनको सुखाने के लिए, फोड़ा, फुंसी, किसी धारदार हथियार वगैरह से, चाकू से कट लग जाना उसको ठीक करने के लिए, खरोंच, पुराना घाव हो, पस मवाद वाला कोई घाव हो, जख्म हो, या ऑपरेशन के बाद कोई टांके वगैरह आ जाते हैं या फिर टांकों में मवाद पड़ जाती है, उनको सुखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो लोग शुगर वाले मरीज होते हैं, डायबिटीज़ वाले मरीज होते हैं, उनको जो जख्म घाव हो जाते हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, भरते नहीं हैं, क्योंकि शुगर वाले मरीजों को जो जख्म होते हैं वो जल्दी नहीं भरते होते हैं, तो उस कंडीशन में भी इस ऑइंटमेंट का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग छाले, कुष्ठ रोग के छाले या फिर बेड सोर्स, दोस्तों बेड सोर्स में आपको पता होगा कि जो मरीज़ ज़्यादा दिन तक लेटे रहते हैं बेड पे, तो उनके बैक साइड पे सोर्स या फोड़े वगैरह जख्म हो जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए भी इस ऑइंटमेंट का उपयोग किया जाता है। गुप्त अंगों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे योनि के अंदर कोई संक्रमण हो गया हो या छाले हो गए हों, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। सनबर्न में भी इसका उपयोग किया जाता है, और यानी कि तकरीबन ये हर प्रकार के जो बाहरी सतह पे, चमड़ी पे जो घाव वगैरह हो जाते हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑइंटमेंट है। दोस्तों, इसे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं ऐसे ही जख्म को अच्छी तरह से साफ़ करके, या फिर आप इसकी पट्टी भी कर सकते हैं, इसको लगा के बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको। इसको अगर आप सुबह शाम लगाते हो तो वैसे ही आपको इसको सुबह शाम लगाना पड़ेगा, अगर पट्टी के साथ इसे लगाते हो तो फिर आप एक दिन, जैसे एक दिन या फिर अगले दिन भी कर सकते हो इसको पट्टी के साथ। तो जब भी इसको लगाना तो पहले जख्म को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना, हाइड्रोजन या फिर डिटॉल वगैरह से अच्छी तरह से साफ़ करके फिर ही इसका इस्तेमाल करना, जिससे ये अच्छा काम करेगी। और जब तक आपका जख्म ठीक नहीं हो जाता है और डॉक्टर आपको जब तक नहीं कहते हैं इसे बंद करने के लिए, आपने इसे बंद नहीं करना है, फिर भी इसे हफ्ता 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें, नुकसान की बात करें, तो वैसे इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता है, फिर भी अगर आपको इसको लगाने से उस जगह पर जलन होती है या फिर खुजली होती है या दाने निकलते हैं, रेडनेस होती है इसको लगाने से, तो आप इसे तुरंत बंद करके डॉक्टर को दिखाएँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।